असलामुअलैकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। दोस्तों जिमीदार ट्रैक्टर हाउस से मौजूद हाँ, तो माशाल्लाह चैक करो जी, बुल पावर का नवा शाहकार। हुण हर कंपनी अपना अपना नवा शाहकार तैयार करती पई है, इस तरह बुल पावर वाले भी अपना नवा शाहकार तैयार किया है। ये जी चौधरी रिफान फ्रॉम नॉर्वे मुथी किसान आटो, उन्होंने आ ट्रैक्टर तैयार किया, उन्होंने ट्रैक्टर है, ठीक है जी। तो मैं तुम्हें एक एक चीज़ यदि विखाना, ये जी उन्होंने लाई है इजाफी ये आ सारिया शेवं ला के फिर भी भाई मध्य मुकाबले कंपनी के तकरीबन वो रेट तो फिर भी थले है, ठीक है। एक एक तुम चीज़ चेक कराने अगों ही शुरू हो जाने, आ सामने चेक करो जी बंपर है, चेक करो बड़ा हैवी हैवी तकरीबन बिल्कुल जरा डिसेंट जहा बंपर इन्हें तैयार किया, चेक करो तो तकरीबन यदा 90 किलो वजन है। यह बंपर तुम वेख सकते हो तकरीबन 60,000 रुपये का बंपर लगाया जी, ठीक है। इस अलावा लाइटा जड़िया ने फ्रंट ये लाइटा नहीं है, ये कंपनी ने खुद अपने एक कंपनी जी दी लाइटा नहीं, कंपनी बल्ब लाई है, ये कस्टमर ने अपने चॉइस के उत्ते LED लाइटा लवाइया ने बेच, यह चेक करो ये होर जी लाइट पूरी बज के बजेगी अगे तो दूर तक जाएगी, ठीक है। कंपनी ला दें बल्ब छोटे छोटे, कोई एडिया लाइट नहीं, वो बाद में जमींदार खुद उन्होंने चेंज करवाता है। तो यह जी इन्होंने लाइया ने बेच LED लाइटा, ये हो गया। इस तो अलावा चेक करो जी टायर, इन्होंने फ्रंट टायर भी इन्होंने चेंज किए ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के उत्ते, पैंथर खलियान वाले टायर पवाए ने 12 प्लाई के जेडे जिमीदार आते ना टायर साढ़े पेंचर हो जाता ये हो जाता है, हूँ आ जो टायर पवाते ने 12 प्लाई के टायर हूँ ताे पेंचर नहीं होएंगे। एक कट गुडी वाले टायर पवाए ने, कट गुडी का एडा मकसद नहीं अगे है, लेकिन यह खूबसूरती वास्ते बंदे लवाते हैं, एक बार यदा कोई मकसद नहीं है कट गुडी का अगे टायर के, ठीक है। आ खूबसूरती देखो ना ट्रैक्टर की खूबसूरती से इजाफा हो जाता है आज जो कट गुडी लगता है। इस तरह जो पिछले टायर ने भी इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के कस्टमर ने लवाए ने, पैंथर पावर के तकरीबन एग्रीकल्चर के सब तो जो हैवी टायर है ना, लोड उठाने वाला कमर्शियल हो गए एग्रीकल्चर हो जाए, पैंथर पावर ये भाजी 18 प्लाई के आ जाता, तो 18x30 है, चेक करो कमर्शियल टायर। तो ये स्पैशल उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के उत्ते टायर भी पवाया, तकरीबन ये भी जरा मध्य मुकाबले दूसरा जो कंपनी ला के देती है टायर वो मजीद 25 to 30,000 रुपया महंगा है, ठीक है जी। ये चीज़ होगी। इस अलावा इन्होंने बेच आ जी दूजी वड्डी तब्दीली की है, अजक तुम्हें पता हर कंपनी जी स्पेसर पा रही है, तो ट्रैक्टर कहते हैं स्पेसर पा के मजीद जरा ना लंबाई ज्यादा हो जाती है, अगों ट्रैक्टर उठता नहीं है। अब तुम थलों जो विखाओ ना स्पेसर पाया इन्होंने, आ चेक करो वाहवा टोटा तकरीबन इन्होंने स्पेसर के पाया उत्ते, आ शीट ला दी है उन्होंने ढक दिता तकरीबन कवर हो गया सारा। पा के जी यहाँ प्लेटफार्म जरा ये खुला हो जाता है, आ चेक करो ड्राइवर उत्ते बड़े सुकून ना बह जाता, मैं तुम्हें जी बह के विखा दें, चेक करो जी सुकून ना ईजी हो गए उत्ते बैठा है, ठीक है जी। अजय मेरा वजन भी तकरीबन कद काट भी तकरीबन 6 फुट के करीब हैगा, सुकून ना उत्ते ईजी होकर बैठा है, इधरों भी खुला कर दिता तकरीबन 4x4 वाला भाई यदा ने आ बन जाता सारा जी आ प्लेटफार्म, ठीक है। आ साड़ियों में तब्दीलियाँ आ जिन स्पेसर पाते हैं, सिर्फ स्पेसर नहीं पाते भी बड़िया इंजन में तब्दीलियाँ करनिया पड़ाड़ लम्मे करने पेंदे ने सारा कुछ, स्पेसर का जरा तकरीबन खर्चा 50 to 60,000 रुपया स्पेसर पाने का खर्चा होया, ठीक है। 60,000 का वो हो गया, 60,000 रुपये का बंपर हो गया। इस अलावा छत तकरीबन है 70-80,000 रुपये की छत है, एक्सपोर्ट मॉडल छत है, तो पूरी हैवी बदली है लागे, करो तुम मैं विखाव यह चेक करो, इतों भी तुम आ छत इतों ला लो, आ सारा इन्होंने आ पिछे आ भी लाई है पूरी हैवी लाया उ, ठीक है जी। बैक साइड तुम मैं फिटिंग विखा दें छत की, आ चेक करो कैसी बच्चे फिट हुई है, एड्डी कोई मजबूती है, मैं ना कंपनी को आखी था यार यहोजी छत ला के दया करो, ये छत अल्ला ना करे ट्रैक्टर कल्टी भी होंगे ना, तो इस चीज़ मैं तुम्हें आना कि ड्राइवर को कुछ नहीं होंगे अल्ला खैर करे, तो बाहर वाली जोड़िया कंपनियां ने ना वो यहोजियां छत्तां छत भाएं ना भी ना उत्ते टापा लाण, आ यू बाल पिछे ला दिंदियां ने, ठीक है। वो कंपनियां नूं कहा हुंदा जी तुसीं यू बाल ला के बाहर कढ़ना ट्रैक्टर, इस तो बिना नहीं कढ़ना है। तो ये भाई चाहते उन्होंने तब्दीलियां करके ड्राइवर ने अपनी सहूलत के मुताबिक आ सारियां तब्दीलियां कीतियां ने, तो ये होनिया भी चाहिदियां ने जिहड़ा भी ट्रैक्टर ले, एडे कोई इजाफी तब्दीलियां नहीं कीतियां, रिक्वायरमेंट तकरीबन जरा रिक्वायरमेंट है ट्रैक्टर की तो ड्राइवर की वो उन्हें पूरिया कीतियां, बंपर लाया कोई ओवर मोडिफिकेशन नहीं किया, बिल्कुल मयारी मोडिफिकेशन की है, तो तकरीबन आ सारा जहाँ सेंसर उत्ते उन्हें लाई है, आ जाली लाई है, यानी कि कहीं ड्राइवर का हाथ उत्थ लग जाता है तो सड़ेगा नहीं आप, कितना खर्चा आ गया टोटली, खर्चा तकरीबन भाजी 2.5 लाख रुपया खर्चा आया टोटली, सारा टोटल हर चीज़ ला लो के 2.5 लाख रुपया खर्चा आया,
ਢਾਈ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਧਮ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਤੀ ਲੱਖ ਅੜਤਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬ
ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਵਾਈਟ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਔਥੈਂਟਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਹੈ ਬੈਂਥਰ ਦੇ ਖਲਿਆਨ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਲਿਆਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਜਾਂ 8 ਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 12 ਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਂਥਰ ਖਲਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਦੇ 18 ਪਲਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਗਏ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਮੁਥੇਦ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਰਾਮ ਨਾਰਵੇ, ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ 60-60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, 60 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰ ਵਾਲੀ, ਸੇਫਟੀ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.25 ਮੋਟਾਈ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, 1.25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, 5 ਮਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਛੱਤ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੱਤ ਆ, ਅਨਾਇਤ ਐਂਡ ਸੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਪੇਸਰ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੇਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਸਪੇਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਡ ਸ਼ਾਡ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ 4-wheel ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੇਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਐਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 90 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਦਾ 90 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ।